आइए हम चैप्टर टू स्टार्ट करते हैं क्लास सेवन के अनुपात। चैप्टर टू में दिया है, चैप्टर 2.1 में दिया हुआ है। एक किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपये है और एक किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपये है, तो दाल के दाम का अनुपात निकालो। तो आप लोग ध्यान देखिए, एक किलो चावल का दाम दे दिया है 40 रुपये और एक किलो दाल का दाम दे दिया है 100 रुपये, तो दोनों का अनुपात निकालना है। आप ध्यान दीजिए, 2.1 नंबर यहाँ लिखेंगे हम लोग चावल का दाम बटा में दाल का दाम बराबर एक किलो चावल का दाम है 40 रुपये, दाल का दाम है 100 रुपये। बीस दुना की 40, 20 25 100, 2/5 बराबर इक्वल टू 2:5 आंसर। आप तो बता दीजिए इसको, आइए दो नंबर सवाल पर आते हैं। दो नंबर सवाल कुछ इस तरह दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए सी बी, ए का मान दिया हुआ है 60, सी का 70, बी का 50। हमने से पूछा है कोण बी ए सी अनुपात कोण ए बी सी अनुपात कोण ए सी बी कितना होगा। देखिए यहाँ बी ए सी है, तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, बी ए सी, बी ए सी के बीच बीच में आता है ए, ए का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसके जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। ए बी सी, ए बी सी के बीच में आता है बी, तो बी यहाँ पे है, बी का लिखेंगे 50 डिग्री। ए सी बी के बीच में आता है सी, और सी का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। किलो काटेंगे 10 6 60, 10 5 50, 10 7 70। इसका आंसर है 6:5:7। आइए तीन नंबर सवाल में आते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसा, तो एक लॉजेंस और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात निकालो। एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है और एक लॉजेंस का, यहाँ लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य एक लॉजेंस का मूल्य। एक लॉजेंस का मूल्य बराबर एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, एक लॉजेंस का मूल्य 50 पैसा। 1 रुपया में दिया हुआ है और 1 पैसा में दिया हुआ है, तो हमें इसको रुपया को भी पैसा बदलना होगा। 3 रुपया में 300 पैसा
और ये 50 पैसा। फाइव वन जो फाइव फाइव सिक्स जो छत्तीस छः बटा वन। पूछा क्या था अनुपात, तो 6:1। एक रुपया और दो रुपये के सिक्के का अनुपात निकालो। फोन नंबर एक 50 पैसा है, 50 पैसा एक एक रुपया है, एक रुपया दो रुपये एक पैसा में दिया हुआ है, दो रुपया में दिया हुआ है, इसको दोनों पैसा मत लेंगे। तो 50 एक रुपये में 100 पैसा, दो रुपये में 200 पैसा काट सकते हैं। एक जीरो से काट दो उसको, 5 1 5 5 2 10 5 4 20। इसका आंसर है 1:2 2:4।